राजस्थान के सियासी बिसात पर अब कोरोना काल के बाद एक बार फिर शह और मात का खेल तेज हो गया है। जहां कांग्रेस में आगामी दिनों में नए समीकरण बनते दिखाई दे सकते हैं, तो वहीं बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सक्रियता ने सियासी बाजार गर्म कर दिया है। राजे जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को साथ कर फिर पकड़ मजबूत करने में जुट गई है, तो वहीं कांग्रेस को भी अब पानी पी पी कर कोसती नजर आ रही है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसे लेकर राजे ने गहलोत पर निशाना साधा है। जनता के सबक सिखाने की बात कहते हुए वसुंधरा राजे ने कहा कि हमारी बीजेपी सरकार की योजनाओं का नाम बदलने में माहिर कांग्रेस सरकार ने अन्नपूर्णा रसोई का नाम बदलकर इंदिरा रसोई योजना कर दिया है। चलो देर आए दुरुस्त आए, नाम बदलकर ही सही, आखिर जनता की मांग पर हमारी अन्नपूर्णा रसोई योजना को शुरू करना ही पड़ा। नाम नहीं, अपने आप को भी बदलो सरकार, नहीं तो जनता सब कुछ बदल डालेगी। वहीं योजना की घोषणा करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कोई भूखा ना सोए के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की घोषणा की है। इस योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को दो समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन रियायती दर से उपलब्ध कराया जाएगा। वसुंधरा की सक्रियता को आगामी दिनों में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की नई टीम की घोषणा से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में राजे की सक्रियता के सियासी गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। बहरहाल आगामी दिनों में किस तरह के समीकरण देखने को मिलते हैं, ये वक्त ही बताएगा।